सत श्री अकाल एबीपी साझा देख रहे हो तुसी। मैं हाँ हरपिंदर सिंह, फ्रंट फुट दे विच वड्डियां खबरां लै के तुहाडे सामने हाजिर हाँ। सब तो पहला हैडलाइनस। हाई कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी ते लाई 3 दिन लई रोक। सुप्रीम कोर्ट का रुख करन लई दित्ता गया समा। मजीठिया ने चोणां दा हवाला दे के मंगी सी 7 दिनां दी मोहलत। पाकिस्तान वाले बयान तो बाद खुद ही किरे कैप्टन। विरोधियों ने इको सुर च साधे निशाने। भगवंत मान का तंज, कैप्टन के घर ही सी पाकिस्तान। सिद्धू ते रंधावा ने भी चुके सवाल, कहा 4.5 साल बाद क्यों कैप्टन नूं आई याद। अकाली दल ने भी किया मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान। सुखबीर बादल ने खुद नूं दस्या पार्टी का सीएम उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी भी भगवंत मान ते ला चुकी है, पर कांग्रेस वालों सीएम चेहरा ऐलानन तो कोरी ना। चोणां तो पहलां सियासतदानां ने कीता डेरियां दा रुख। बीजेपी कांग्रेस दे कैप्टन दे उम्मीदवार पहुंचे डेरा सिरसा। शाह सतनाम दे जन्म दिहाड़े मौके भरी हाजरी। सब दी डेरे दे वोट बैंक ते नजर। पंजाब विधानसभा चोणां दे लई नामजदगियां दा दौर होया शुरू। पहले दिन रोजी बरकंदी ते कुशलदीप ढिल्लों सने 12 उम्मीदवारां ने भरे परचे। 1 फरवरी आखिरी तरीक, 20 फरवरी नूं होवेगी वोटिंग। ड्रग मामले दे विच घिरे श्रोमणी अकाली दल दे सीनियर लीडर बिक्रम मजीठिया नूं हाई कोर्ट दे वल्लों थोड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट जाण दे लई बिक्रम मजीठिया नूं 3 दिन दा समां दित्ता, जाणी कि 3 दिनां तक पुलिस बिक्रम मजीठिया नूं गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। हालांकि हाई कोर्ट दे आदेश आउण तों पहलां बिक्रम मजीठिया दी भाल दे विच अमृतसर दी रिहायश ते पुलिस दे वल्लों छापेमारी भी कीती गई। हाई कोर्ट तो जमानत रद्द होने के बावजूद मजीठिया 3 दिन तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। दरअसल मजीठिया जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पवेगा, इसलिए हाई कोर्ट वालों 3 दिन की मोहलत दी गई है। हालांकि मजीठिया वालों 1 हफ्ते का समा मंगया गया सी। विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी से फिर दोबारा रोक लगा दी है और उन्होंने समा दिता गया ताकि जिहड़ा वो टैक्निकल इशू है सैक्शन 37 वाला सुप्रीम कोर्ट का, जिहड़ा कहिंदा कि 37 च किसी नूं एंटीसपेटरी बेल ना दिती जावे। सो हाई कोर्ट ने बिक्रम मजीठिया साहब की गिरफ्तारी से रोक लाते हुए वो समा दिता कि सुप्रीम कोर्ट अगे जा के केस के मैरिट्स रख सकन। हुण मैं सवाल करदा पंजाब पुलिस तो वह अफसरां तो जिन्होंने बिना हाई कोर्ट के ऑर्डर की वेट किए ये सियासी जिहड़ियां आकावां नूं खुश करन लिए रेड़ां करनियां शुरू कर दित्तियां सी। हुण अगे आओ ते दसो इस गल लई कौन जिम्मेवार है, किहदे हुक्मां दे उत्ते ये रेड़ां बिना हाई कोर्ट दा ऑर्डर लिते कीतियां गईयां, की हुण कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट नहीं। हालांकि इस तो पहला पंजाब पुलिस मजीठिया दी भाल च जुट चुकी सी। मंगलवार नूं तड़कसार पुलिस वल्लों अमृतसर च कई थाई छापेमारी की गई, जिस च रंजीत एवेन्यू कलोनी वाले घर सने मजीठिया दे दफ्तर च वी छापेमारी हुई। हालांकि पुलिस दे हथ हमेशा दी तरह खाली ही रहे। अकाली नेता बिक्रम मजीठिया के मजीठा स्थित दफ्तर विखे एसआईटी की टीम ने दस्तक दी है। एसआईटी की टीम छापेमारी करने के लिए पहुंची है। बिक्रम मजीठिया का यह मजीठा स्थित दफ्तर है जिथे चोणां नूं संबंधी बिक्रम मजीठिया जिहड़े ने हमेशा ही एक्टिव जिहड़े ने इत्थों ही चलाउंदे ने गतिविधियां, मजीठा दे इसे तों चलदी है। तां अज एसआईटी की जिहड़ी टीम है वह अज ग्रीन एवन्यू भी पहुंची सी, 43 ग्रीन एवन्यू जिथे बिक्रम मजीठिया की रहायश है। तो हुण जिहड़ी टीम अंदर जिहड़ी पहुंची है अकाली वर्कर जिहड़े अंदर मौजूद ने उन्हां दे नाल गलबात करी। गगनदीप भगना जिहड़े इस दफ्तर दे इंचार्ज ने उन्हां दे नाल गलबात जिहड़ी कीती जा रही है। तो 43 ग्रीन एवन्यू दे विच वी सिट दी टीम जिहड़ी सी उह अज अमृतसर पहुंची सी। तो उत्थे वी ते इस तों बाद मजीठा पुलिस थाने गई ते मजीठा पुलिस थाने दे विच जो लिखती कार्रवाई करन तों बाद जिहड़ी टीम है उह हुण जिहड़ी है उह अमृतसर दे मजीठा दे हलके दे विच पहुंची, बिक्रम मजीठिया दे दफ्तर दे विच पहुंची है। तस्वीरां बिल्कुल सिद्धियां तुसीं देख सकदे हो, दफ्तर बिक्रम सिंह मजीठिया जिथे बिक्रम मजीठिया दे दफ्तर दे विच सिट्ठ दी टीम इंस्पैक्टर कैलाश बहादुर दी अगवाई दे विच पहुंची है। पुलिस की कोशिश है कि मजीठिया नूं जल्द तो जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि पहला भी केस दर्ज करन मगरों मजीठिया रुपोश हो गए सन अते पुलिस दे वड्डे सवाल खड़े हुए सन। जो सीनियर ऑफिसर्स की इंस्ट्रक्शन थी कल मानजोग हाई कोर्ट तो बेल डिसमिस हो चुकी भी, अगे जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन होंगी है वो करने से आए हैं। अगे अदालत तो जमानत अर्जी रद्द होने कारण मजीठिया के नाल नाल अकाली दल लई भी वड्डी मुसीबत खड़ी हो गई है। विधानसभा चोणां सिर ते ने, माझे च अकाली दल का वड्डा चेहरा मन्ने जांदे मजीठिया ते गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बिक्रमजीत सिंह मजीठिया दे उते झूठा ड्रग्स का केस पाया गया, एक वड्डी कॉन्सपरेसी की गई। चन्नी सरकार ने
एंड उस कॉन्सपिरेसी का बहुत वड्डा मोहरा डीजीपी चट्टोपाध्याय के बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ एक भी सबूत कोई लिया दे ड्रग्स का सुखबीर सिंह बादल सियासत छड़ दूगा। आ सारा कुछ झूठ ते फ्रेम बनाया क्योंकि उन्होंने पता है कि बिक्रम सिंह मजीठिया अगे होके इन्हां सैंड माफिया मुख्यमंत्री ते दूजे नवजोत सिद्धू के खिलाफ लड़ाई लड़ी। अकाली दल इस नूं सियासी बदलाखोरी दस रहा है पर कांग्रेस मजीठिया दे नाल नाल अकाली दल ते भी निशाने ला रही है। मैं पूछना चाहुंदा कि जिहड़े हजारां नौजवान नशे दी भेट चढ़ गए उन्हां दीआं मावां दी वध असीस करके अज उहदी बेल कैंसल होई है। ये सारीआं चीज़ां जिहड़ियां ने उन्हां दे विच जो जजमेंट आई है उहदे अनुसार उन्हां ने कहा कि जो पंजाब गवर्नमेंट ने जां पंजाब दे एडवोकेट जनरल ने जो अपनी ऑब्जरवेशन्स दित्तियां जो एडियां ईडी दीआं ऑब्जरवेशन्स ने जो ईडी कोल इन्हें कंसील कीतियां ने जो पंजाब पुलिस कोल इन्हां ने कंसील कीतियां ने उहदे मुताबिक उस उहदे उपर इहदी जिहड़ी बेल जिहड़ी आ उह रिजेक्ट कीती। हाँ, तीन दिन लई इन्हें रिक्वेस्ट कीती कि मैं नोमीनेशन पेपर्स फाइल करने ने उहनां ने इन्हां नूं तीन दिन की रिलीफ जिहड़ी दित्ती आ। मैं उन्हें पूछना चाहना कि बादल साहब अज जिहड़ा मानयोग हाईकोर्ट ने फैसला दिता है यह वेंडेट आ कि जां पंजाब दे लोकां दीआं वध असीसां जिहड़ियां जिन्हां दे बच्चिआं नूं इन्ना कुछ सहना पिया उह आ। 20 दिसंबर नूं मजीठिया खिलाफ ड्रग केस च FIR दर्ज हुई सी जिस तों बाद करीब 20 दिनों तक मजीठिया रुपोश रहे सन। हालांकि अकाली दल उन्हां दे पंजाब च ही होण दा दम भरदा रहा है। 10 जनवरी नूं अगाऊं जमानत मिलन तों बाद मजीठिया सामने आए सन। एक नज़र उस केस ते वी जिस ने मजीठिया दीआं मुश्किलां वधाईआं। 2013 दे बौकरोड़ी ड्रग केस च मजीठिया दा नां सामने आया सी। ईडी दी पुछगिछ दौरान मुलजमां ने मजीठिया दा नां लिया। मजीठिया ते ड्रग तस्कर सतप्रीत सत्ता नूं शह देण दे इल्जाम ने जिस तों बाद STF ने इल्जामां दी जांच दी सिफारिश कीती सी। STF दी रिपोर्ट दे आधार ते ही मजीठिया खिलाफ FIR दर्ज हुई। वेला इक छोटी जिही ब्रेक दा। ब्रेक दे उस पार किवें अपने बयान ते घिरे ने पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिद्धू बारे दिए गए बयान तो बाद पंजाब के सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल वालों कैप्टन अमरिंदर सिंह से सवाल चुके जा रहे हैं। हर पार्टी अपने तरीके दे नाल कैप्टन से तंज कस रही है। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ़ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल। कैप्टन ने इस बयान जरिए भावे नवजोत सिद्धू नूं घेरन की कोशिश की पर हुण खुद ही कैप्टन सवालों के घेरे च ने। विरोधी सिद्धू की थां कैप्टन नूं सवाल कर रहे ने। आम आदमी पार्टी के सूबा प्रधान भगवंत मान ने तो सवाल अपने ही व्यंगमई तरीके नाल कीता। तां कैप्टन साहब ने यह गल इन्ना चिर लुको के क्यों रखी ते ऑलमोस्ट कैप्टन साहब ने उन्हां दी गल मन भी ली सी क्योंकि बिजली मंत्रालय उन्हां नूं ऑफर करता सी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਕੱਲੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, DGP ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੰਨ ਦੇ ਪਰਲੇ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਚੀਕੂ ਤੇ ਸੀਤਾ ਫਲ ਕਿਹਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਚੀਕੂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸੀਤਾ ਫਲ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। IAS ਅਫਸਰ ਲਾਏ ਸੀ, ਉਸਕੋ ਭੇਜ ਦੋ ਨਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਲਓ ਨਾ ਕੈਸੇ ਉਹ ਸੀਤਾ ਫਲ ਕੈਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਟਾਸ਼ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਚੱਲਿਆ ਕਰ। ਉਹ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਜਾਓ, ਤਾਰਾਂ ਤੂਰਾਂ ਲਵਾਓ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਐਂ ਕਰੇ। ਲਹਿਜ਼ਾ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਦਿਆਂ। ਜੋ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਗੱਲ,
मेरी गल का जवाब दे दो यार, घर अपने घर रखी फिरदा सी ओहदा उहनूं दुख नहीं, इहदा टेलीफोन आ गया तां दुख नूं ज्यादा आ गया। कैप्टन नूं सवाल अकाली दल ने भी किया ते पुछया कि पाकिस्तान की सिफारिश ते सिद्धू नूं मुड़ मंत्री बनाउण दे लई बिजली विभाग देण दी कोशिश क्यों कीती। सी नवजोत सिंह सिद्धू ओहदा कोई पता नहीं की करदा है। मैं कैप्टन साहब नूं कहना चाहुंदा हां फिर तुसीं ओहदी सिफारिश क्यों मन्नी। दरअसल इन चोणां मौके कैप्टन दे इस बयान ने नवी सियासी चर्चा छेड़ दिती है। कैप्टन ने दावा कीता सी कि सिद्धू नूं कैबिनेट च लैण दे लई पाकिस्तान तो अपील आई सी। फिर मुझे कुछ आई थिंक इट वाज अबाउट 2-3 वीक्स और 4 वीक्स लेटर और समथिंग लाइक दैट आई गेट अ मैसेज फ्रॉम समबडी वी नो, ही नोज एंड आई नो, एंड उसे उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि अगर सिद्धू को आप अपने गवर्नमेंट में ले सकते हो तो ले लो, और अगर काम नहीं करेगा निकाल देना। ये मैसेज था मेरे लिए, अगर मिस्टर सिद्धू काम नहीं करेगा तो निकाल देना। मैं और कहाँ से, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, आई एम टेलिंग अबाउट पाकिस्तान। पाकिस्तान से मैसेज ये आया मुझे कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ सेंट अ रिक्वेस्ट कि इफ़ यू कैन टेक सिद्धू इनटू योर कैबिनेट आई विल बी ग्रेटफुल। विरोधी भावें सवालों के नाल नाल तंज कस रहे ने, पर भाईवाल बीजेपी कैप्टन के बयान से सिद्धू सने कांग्रेस हाईकमान तो जवाब मांग रही है कि उस देश तो सिफारिश आ रही है जिन्हें हिंदुस्तान के बॉर्डर हो या हिंदुस्तान के शहर हो उन्हें दहलाने की हमेशा कोशिश की थी। ये पाकिस्तान नाल ये जड़ा रिश्ता है इतने सोनिया गांधी जी स्पष्टता देनी पेगी, प्रियंका गांधी जी स्पष्टता देनी पेगी कि क्या फोन की जानकारी उन्होंने सी ता उन्होंने मन किस तरह लिया मंत्री बनना कि फोन ही उन्होंने करवाया से। पाकिस्तान आज कांग्रेस में चला रहा एक समा सी जो लाल बहादुर शास्त्री सरदार पटेल वर्गे लोग कांग्रेस में लीड करते थे। 18 सितंबर 2021 ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਸਿਰਫ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਸੈਲਫ ਗੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਿਆ? ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁਣ ਅਰੂਸਾ ਆਲਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੁੜ ਚੁੱਕੇਗੀ? ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਸਾ ਲਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਕਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਨੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਰੁੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮਾਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਬੀਜੇਪੀ ਸਮੇਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੀ ਵੋਟ ਖਿੱਚਣ ਵੱਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਡੇਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ 'ਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸ਼ਾਸਤਨਾਮ ਦੇ 193 ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੰਜੀਵ ਬਿੱਟੂ, ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਲਖਾ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਮੰਗਤ ਰਾਏ ਬੰਸਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਬਿੱਟੂ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੋਨਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲਾ ਕੇ ਮੇਅਰ ਕੇ ਤੌਰ ਪਰ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਸੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਜਬ ਕਰੋਨਾ ਕੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜੋ ਖੂਨ ਕੇ ਲੀਏ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਥੀ ਖੂਨਦਾਨ ਕੀ, ਤਬ ਡੇਰਾ ਕੇ ਸਭੀ ਲੋਗੋ ਨੇ 30,000 ਕੇ ਕਰੀਬ ਜੋ ਹੈ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵਹਾਂ ਪੇ ਕੀਆ, और वहाँ पे राशनिंग की जो राशन वगैरह था गरीबों को पहुँचाया, और उसके साथ ही हमारे हॉस्पिटल की पूरी सफाई के लिए जो तमाम काम किए थे, तो तब भी
और आज भी उसी के कारण जो है हम आज इनका जो धन्यवाद भी करते हैं इनके काम के लिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे आज शाह सतनाम जी के जो जन्म दिवस पे यहाँ पे पहुँचे। 13 की वोट बैंक पर हमेशा पंजाब के नेताओं की नज़र रहती है, ऐसा क्यों? देखिए मैं आप शायद मेरे को नहीं जानते होंगे, आप पिछले जब भी समय का देखेंगे मैं तब से लेकर आज तक जो भी लोग इंसानियत के काम को कर रहे हैं, आज आप मेरे को बताइए जितना ब्लड डोनेट डेरा के लोगों ने किया किसी और ने किया है, आप पत्रकार भाई हैं आप भी बता देना। हाँ जी जो काम हर काम को आप अपने को ना आपको जो आप नहीं इससे जोड़ना चाहिए। कैंडिडेट हैं आप, अपनी स्थिति क्या देख रहे हैं? मेरी बात समझिए, मैं जिस काम के लिए आया हूँ मैंने आपको बता दिया। जबकि सरदूलगढ़ सीट तो बीजेपी के उम्मीदवार जगजीत सिंह मिलखा नेता डेरे की तर्ज से प्रधानमंत्री मोदी वालों किए जा रहे मानवता के कामों का गुणगान किया। इस डेरे विच मैं कोई राजनीति मंशा नहीं आया, मैं एक श्रद्धा भावना आया। पहले भी कभी आए हो डेरे? हाँ जी बिल्कुल जी, मैं 2014 तो डेरे विच बहुत बार आ चुका हूँ। मतलब मैं सरदूलगढ़ विधानसभा 97 नंबर तो चुनाव लड़ रहा हूँ। इलेक्शन विच ही नेतावां दा डेरा डेरा सच्चा सौदा क्यों होंदा? देखो जी दूसरे बारे मैं जानता नहीं जी, अब चलो ठीक है जी, जे साडी पार्टी ने मैनू टिकट नवाजिया तो मैं एक इस तरह आया, नहीं तो मैं नतमस्तक होने वास्ते हमेशा आम पब्लिक आम सेवादार आम जनता वांगू आया और सदा आया वहाँ, पहले मैं आता सा अगे भी आता रहूँगा। देखो जी पौने 2 लाख साड़ी वोट है जी, 1,87,000 समथिंग वोटर साढ़े, और जिदे विच डेरा प्रेमी काफ़ी वड्डी संख्या दे डेरा प्रेमियों का वोटर वोट बैंक है। देखो जी मैं इतने तुम पहले भी कहा जी वोट वास्ते नहीं आया जी, मैं शाह सतनाम जी के पवित्र दिहाड़े से उन्होंने इस पवित्र दिहाड़े अपनी हाजिरी दवा। कांग्रेस सरकार हुण तक पंजाब च बेअदबियां दे लई डेरे नूं जिम्मेवार ठहराउंदी रही है, जबकि कांग्रेस लीडर मंगत राय बंसल मुताबक उह तां अक्सर डेरे आउंदे रहिंदे ने अते इस च कोई बुरी गल वी नहीं। मैं पहले भी आता था ठीक है, तां हम आज भंडारा है आपको भी पता है, हम भी उसका हिस्सा बनकर आए हैं, सभी लोग आते हैं एक जगह पर जाते हैं गुरुद्वारा मंदिर डेरे में आना कोई पाप नहीं है। बेशक डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम बलात्कार दे केस कारण रोहतक दी सुनारिया जेल च उम्र कैद दी सजा काट रहे ने, पर अज वी डेरे दा पंजाब दे कई इलाकियां च चंगा प्रभाव है अते हमेशा चोणां तो पहलां डेरे वल्लों किसे ना किसे सियासी पार्टी नूं हिमायत दा सुनेहा भी दित्ता जांदा है, इसे लई हर लीडर पार्टी तो उपर उठ पहुंच रहा है, उम्मीद वोटां लैण दे नाल नाल डेरे दे पैरोकारां नूं अपने पन दा सुनेहा देण दी भी है। वेला कोई एक होर छोटी जी ब्रेक दा, ब्रेक दो स्पार क्यों रहा पटियाला बंद। पटियाला स्थित इतिहासक काली मंदिर दे विच बेअदबी की कोशिश हुई, हालांकि पुलिस दे वल्लों बेअदबी की कोशिश करने वाले शख्स नूं गिरफ्तार किया गया, पर इस घटना तो बाद हिंदू भाईचारे दे विच काफ़ी रोस देखने नूं मिल रहा ते इसे रोस दे वजो पटियाला मंगलवार नूं बंद रखा गया। पहला दरबार साहब अते हुण पटियाला स्थित काली माता मंदिर, सूबे च चुनावी माहौल है, अजिहे समय च लगातार बेअदबी दीआं घटनावां सामने आ रही। दरबार साहब तो बाद पटियाला दे इतिहासक काली माता मंदिर च भी बेअदबी की कोशिश हुई, इत्थे भी एक शख्स अचानक जंगला टप के मूर्ति कोल पहुंच गया, हालांकि मौके ते मौजूद पुजारी अते सुरक्षा कर्मियां ने मुलजम नूं काबू कर लिया। कीता उहनूं टप के गला टप के अंदर जाके कीता, उत्थे जिहड़ी रोक लाई दी रोक तो उहनूं नहीं जाणा चाहीदा सी, अग्गे उस मुताबक असीं उहदी बनदी कारवाई करांगे जो कारवाई। घटना तो बाद हिंदू संगठनों च भारी रोस है, मंगलवार को पटियाला शहर पूरी तरह बंद रखा गया, हिंदू भाईचारे वालों थां थां प्रदर्शन किए गए, पटियाला तो सांसद परनीत कौर अते पंजाब आप दे प्रधान भगवंत मान काली माता मंदिर पहुंचे, परनीत कौर ने जिथे घटना की निंदा की तो उत्थे ही विरोधी चन्नी सरकार नूं घेरदे नजर आए। निंदा असी करदे हां, मैं कल भी प्रेस च कहा है कि ये जो धार्मिक स्थानों के उत्ते बिल्कुल कोई बेअदबी नहीं होनी चाहिए, प्रशासन को वधिया तरीके दे नाल इहदा सारा प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि इस दे नाल सारियां दे जिहड़े सेंटीमेंट्स ने उन्हां ते दुख पहुँचदा। जे कितें 2015 दे विच बरगाड़ी वाली घटना ते सख्त कार्रवाई होंदी, मास्टरमाइंड अंदर होंदे, मिसाली सजा होंदी, फिर यह जी हिम्मत नहीं पैनी सी कितें
कि दोबारा कोई किसी भी धार्मिक ग्रंथ की बेअदबी कर दे। पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी की कांग्रेस सरकार को लॉ एंड ऑर्डर समेटिया नहीं जा रहा। जगह जगह से बेदबी की घटना हो रही है, कभी गुरुद्वार च हो रही है, कभी मंदिर च हो रही। लॉ एंड ऑर्डर चरमरा चुका। मैं मुख्यमंत्री साहब नूं पुछना चाहना, मुख्यमंत्री साहब लुधियाने च बम ब्लास्ट होया, तुसीं की कीता, की प्रबंध किया? तुहाडे अफसर कह रहे टिफन बंब घूम रहे, तुसीं की प्रबंध किया, किस तरह उन्होंने रोक रहे हो? इस घटना तो बाद काली माता मंदिर की सुरक्षा होर वधा दिती गई है। चोणा तो एन पहला वापर रही अजिहियां घटनावां वड्डी साजिश वल इशारा कर रही है। हुण वारी है कू क्वेश्चन ऑफ द डे दी। असी अपने दर्शकों तो सवाल पूछा सी कि चोण प्रचार के दौरान वड्डियां रैलियां ते लगाई गई रोक जारी रहनी चाहिए है। इस ते बहुत सारे लोगों के वलों वख-वख प्रतिक्रिया दी गई है, जिस दे विचों असी एक जवाब लिया, वह है मनमीत कौर का, जिन्हां दे वलों कहा गया जदों हर चीज़ ऑनलाइन हो सकती है तां नेतावां नूं ऑनलाइन रैली करन दे विच की आफत है। असी हर रोज़ अपने दर्शकों तो कू क्वेश्चन ऑफ द डे दे लई सवाल पूछते हैं, जिसते बहुत सारे लोग जवाब भी देंगे ने। तुसीं भी इस क्वेश्चन ऑफ द डे का हिस्सा बन सकते हो। फिलहाल मैनू तो इजाजत। देश दुनिया ते पंजाब दी हर वड्डी खबर लई देखदो रहो बीपी सांझा।